सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ की जनता के बारे में नहीं सोचती, वे छत्तीसगढ़ को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं इसके बारे में अगर उनके पास कोई विचार होता, उनके पास कोई योजना होती तो वे इस बारे में बात करते। चुनाव निकट है, सत्ता में होने के बावजूद हमने अपनी 16 गारंटी सूचीबद्ध की, लेकिन उनकी गारंटी के बारे में कोई गारंटी नहीं है। राज्य के लोग ये जानते हैं, उन्हें हमारी गारंटी पर भरोसा है। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो छत्तीसगढ़ की जनता के बारे में भारतीय जनता पार्टी सोचती नहीं। यदि उनके मन में कोई विचार होता कि छत्तीसगढ़ को किस दिशा में ले जाना है, छत्तीसगढ़ के किसान है, मजदूर है, महिला है, युवा है, इसके लिए इसके पास कोई योजनाएं होती तो अभी तक के बात कर ली होते हैं। हम लोग भी विपक्ष में था तो 6 महीने पहले भी बोलना शुरू कर देते थे। लेकिन ये चुनाव सर पे है, आज 1 तारीख है, 7 तारीख को मतदान है, 5 तारीख को प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। हम सत्ता में होते हुए भी 16 गारंटी हमने दे दी, उनके गारंटी भी कोई गारंटी नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। हमारी गारंटी पे भरोसा है। तो प्रधानमंत्री जी इसका उसकी जो मौन है वो स्पष्ट कर रहा है कि नगर नार को हर हालत में वो अपने मित्रों के हाथों में बेचेंगे, क्योंकि उस दिन जब प्रधानमंत्री आए थे तो बस्तर बंद भी था। लगातार हम लोग विधानसभा पारित किए, चिट्ठियां लिखी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और नगर नार हम जीतने नहीं देंगे।